आज हम सिखाने वाले हैं रैपियर के में ऑल ओवर का टू वेब का डीएस फाइल। वीविंग करने से पहले ये डीएस फाइल क्रिएट करना ज़रूरी है। सबसे पहले हम जिस चीज़ का वीविंग करने वाले हैं वो डिज़ाइन है उसको ओपन कर लेते हैं और उसके अंदर हम चेक करेंगे कि किस किस टाइप का वीविंग दिया हुआ। तो यहाँ पर जो ये ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको वो आपका ग्राउंड रहेगा और जो ये डिज़ाइन दिख रही है गोल्डन कलर से वो आपका डिज़ाइनिंग कलर यानी कि वो आपका सेकंड वेफ्ट होगा। और फिर हम ओपन करेंगे इसके अंदर ये जो क्रॉस जैसा लाइनिंग दिख रहा है वो आपका ट्विल का व्यू होगा। ये जो व्यू है वो सैटिन है। फिर यहाँ पर एक बॉर्डर जैसा दिख रहा है वो बॉर्डर है आपका अप डाउन का व्यू और उसके अंदर हम डालने वाले हैं टीटो का व्यू। ये बॉर्डर किसके लिए दिया जाता है तो ये जो कंसेप्ट दिखा रही हूँ मैं बुट्टा कंसेप्ट है। यहाँ पर दो शेप के बीच में जगह ज़्यादा रहता है और जो जगह ज़्यादा है वहाँ पर हम क्या करेंगे बैक साइड उसमें उसके अंदर बुट्टा कटिंग होगा। तो वो बुट्टा कटिंग होगा तो ये डिज़ाइनिंग का जो धागा रहेगा वो खींच ना जाए आपके डिज़ाइन बिगड़े नहीं इसलिए ये अप डाउन का बॉर्डर देना ज़रूरी है। यहाँ पर हम आते हैं टेक्सेल के अंदर जिस चीज़ का मैंने इमेज दिखाया हुआ है वो डिज़ाइन भी यहाँ से बनी हुई है वो फाइल का एडिटिंग किया हुआ है वो फाइल हम यहाँ पर ओपन कर देंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर विविंग के हिसाब से यहाँ पर कलर चेंज करने हैं। तो सबसे पहले इमेज के अंदर मैंने ये देखा था कि ये आउटसाइड बॉर्डर है तो उसका कलर अलग होगा तो सबसे पहले वहाँ पर एक कलर डाल देते हैं। यहाँ पर सिंगल ये बॉर्डर का कलर चेंज होगा यानी कि वहाँ पर मैंने व्यू का कलर अलग कर दिया है। फिर यहाँ पर ये शेप कैसा है एकदम छोटा शेप है तो ये छोटा शेप होने के बावजूद भी उसका फ्लोट काउंट होगा तो ये छोटा है। अगर अंदर मैंने वीविंग डाल दिया तो हो सकता है कि वो अच्छी तरह से ना दिखे तो उसको प्रॉपर दिखाने के लिए वहाँ पर एक मैनुअल जैसा एक कलर डालना पड़ेगा। मैनुअल एक्चुअली क्या होता है कि छोटा शेप है वहाँ पर वीविंग नहीं डाल के हम उसको पूरा का पूरा ऊपर उठा लेते हैं तो वो व्यू आपका अलग हुआ तो वहाँ पर भी आपको डिफरेंट कलर डालना होगा तो ये कलर उसके लिए। फिर हम आएंगे कि इनसाइड कलर डालना है तो यहाँ पर आपका जो व्यू होगा वो व्यू के अंदर आपका शेप कटा हुआ ना दिखे इसलिए मुझे क्या करना होगा तो यहाँ पर मुझे एक इनसाइड डालनी होगी। तो यहाँ पर डिफरेंट कलर सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कंट्रोल टूल में आ जाता है और ये यहाँ पर सिंगल करना है या तो सबको एक साथ में बॉर्डरिंग करना है तो यहाँ पर ऑल भी सिलेक्ट करते हो इनसाइड देना है या आउटसाइड मुझे इनसाइड चाहिए तो ये इनसाइड सिलेक्ट किया हुआ है। फिर यहाँ पर आपका रेपियर का डिज़ाइन है तो रेपियर का डिज़ाइन वेफ्ट से बनता है तो यहाँ पर मैंने दोनों साइड डोडो डाल दिए। फिर यहाँ पर इनसाइड कर दिया ऑल कर दिया उसके बाद में कोई भी एक शेप पर क्लिक करके उसका आउटसाइड ये बॉर्डर देख लेते हैं। उसके बाद में मुझे क्या करना है कि फोटो इमेज है वहाँ से उसका व्यू देखते कलर डालना। यहाँ पर आपका लेफ्ट एंगल है यहाँ पर राइट एंगल है तो यानी कि ट्विल का दो कलर हुआ तो यहाँ पर वो दोनों कलर एक मैंने ले लिया एक के अंदर ये कलर डाल दिया दूसरे के अंदर ये वाला। फिर देखते हैं कि ट्विल का व्यू कहाँ पर आता है कौन कौन सी जगह पर। तो यहाँ पर भी ट्विल है यहाँ पर भी तो आगे ऊपर हमने जो दिया है वही कलर यहाँ पर ले लेगा। यहाँ पर ये लाइन टूल सिलेक्ट करके भी आप दे सकते हो इस तरह से बकेट टूल में जाके वापस ये कलर वापस लाइन टूल से इसका दो पार्ट कर दिया और यहाँ पर ये कलर फिल कर दिया। फिर यहाँ पे भी यहाँ पर आप सैटिन भी डाल सकते हो ट्विल भी डाल सकते हो और यहाँ पे भी डाल दिया मैंने ये ट्विल का कलर।
लाइन टूल लेने के बाद ये ट्विल का कलर दे दिया। उसके बाद में हम वापिस आते हैं यहाँ पर, और ये साइटिन का जो कलर रहता है, यहाँ पे भी साइटिन है, यहाँ पे भी साइटिन और यहाँ पे भी साइटिन। तो यहाँ पर आप तीन जगह पर आपका कलर चेंज हो जाएगा। ये साइटिन का होगा, ये साइटिन हो गए और ये साइटिन का कलर भी हो गया और ये ट्विल का हो गया। अब बचा बीच वाला जो शेप है, वो वहाँ पर हमें क्या करना है, तो वहाँ पर कौन सा व्यू है, तो ये हमने देखा कि चेक्स जैसा, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि वो डायमंड का व्यू है। तो उसके लिए भी एक कलर अलग लेना है, तो यहाँ से ये पिंक कलर है वो मैंने डाल दिया यहाँ पर डायमंड का व्यू। फिर मैंने बात किया था इस शेप के लिए कि ये छोटा होने के बावजूद भी इसका फ्लोट बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है। तो यहाँ से इसको नाप लेते हैं, ये हुआ आपका 28 का गैपिंग फ्लोट। तो ये थोड़ा बहुत बड़ा है, तो वहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम डिफरेंट कलर लेके, पेंसिल लो या तो फिर लाइन टूल, जिसके अंदर हमें पैटर्न क्रिएट कर देंगे इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर इस तरह का ये पैटर्न बन गया। तो ये जो शेप दिया है उसको इनसाइड नहीं आएगी, ये जो सिंगल पॉइंट दिख रहा है आपको ये वाले ग्रे कलर के, तो वो आपका बाइंडिंग कलर बोला जाता है, उसको भी इनसाइड नहीं आएगी। और तीसरा इनसाइड यहाँ पर, तो ये जो हमने आउटसाइड बॉर्डर दिया है उसको भी मुझे इनसाइड नहीं देना है। ये हो जाता है। उसके बाद में आपको कंट्रोल ए सी ई करके इसको कॉपी करना है, फिर डिज़ाइन मेनू में जाना है, फुल हॉरिजेंटल फुल वर्टिकल। उसके बाद में आपको डिज़ाइनिंग के लिए जितने भी कलर लिए उन सारे कलर को प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट करने के बाद आपको देना है कंट्रोल वी, यानी कि जो चीज़ आपने कॉपी किया था, जो फिगर, उसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद इसको सेंटर में एडजस्ट करके कंट्रोल ई। ये हो गया आपका डीएस फाइल के लिए, फाइल रेडी है। उसके बाद में जाना है टूल्स मेनू में, क्रिएट वार्प एंड वेफ्ट डिज़ाइन, उसके अंदर क्रिएट न्यू डेफिनेशंस। डेफिनेशंस में जाके आपको प्रोफाइल सेलेक्ट करना है, यहाँ पर जाके फाइल सी ड्राइव में, सी ड्राइव के अंदर नेट ग्राफिक्स, इसके अंदर लाइब्रेरीज, वार्प एंड वेफ्ट, नीचे वाला जो फाइल है उसको ओपन कर लो। फिर आपका डिज़ाइन वेफ्ट से बन रहा है तो वेफ्ट सेलेक्ट करना है। स्केल सीक्वेंस में आपके जितने भी फीडर है वो फीडर डालने हैं। सपोज अभी मुझे यहाँ पर दो वेफ्ट में डिज़ाइन क्रिएट करना है, तो 1.2, उसके बाद में वेफ्ट, यहाँ पर सीक्वेंस ऐड करना है तो एड बटन पे जाइए, स्केल्स में जाके दो नंबर को ऑफ कीजिए, सीक्वेंस में 1 लिखिए। फिर ग्राउंड का आपका फर्स्ट फीडर है तो उसको ट्रैक करके यहाँ पर कलर में पेस्ट कीजिए। फिर यहाँ पर सेकंड फर्स्ट को ऑफ करना है, सीक्वेंस में 2 लिखना है। फिर डिज़ाइन के जितने भी कलर हैं वो आपको सेकंड फीडर में डालने हैं। यहाँ से ऐसे ड्रॉ करके कॉपी कर सकते हो या तो नंबर राइट कर सकते हो। तो मैंने अभी क्या किया, सारे कलर को ड्रैग एंड ड्रॉप किया। एक सीक्वेंस आपको ऐड एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी यहाँ पर, और स्केल रहने दीजिए। सीक्वेंस में आपको देना है स्टार, फिर इन सारे सीक्वेंस को आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद सीक्वेंस में जाके वापस उसको पेस्ट कीजिए। पेस्ट करने के बाद लास्ट जो सीक्वेंस दी है वो आपको डिलीट करना है। इतना हो जाता है। उसके बाद में आप क्या करोगे, ऊपर अप्लाई डेफिनेशंस दिया हुआ है वहाँ पर देकर इसको क्लोज कर दीजिए। मेन विंडो के अंदर भी यहाँ पर अप्लाई डेफिनेशंस दिया है वो दे दीजिए। उसके बाद में फाइल मेनू में जाइए, सेव कीजिए, वहाँ पर आपको फाइल का नाम लिखना है। तो यहाँ पर नाम दे दीजिए, सपोज मैंने रेपियर, आपका टू वेफ्ट है और उसका डीएस फाइल है तो ये दे दिया। फिर फॉर्मेट के अंदर आपको नेट ग्राफिक्स डीएस फाइल ये सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।